जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर, ए एंड ए का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, क्या दोनों का जो पेपर यानी टायर फर्स्ट और जो आपका फिजिकल है या फिर टाइपिंग टेस्ट है वो क्या एक ही साथ होने वाला है? तो फ्रेंड्स, सभी ज़्यादातर कैंडिडेट के यही डाउट है, तो आप सभी के डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी ने जो है ए एंड ए की 1061 पोस्ट के लिए आवेदन कर दिया होगा या फिर करने वाले होंगे। देखिए, जिन भी स्टूडेंट ने अब आवेदन नहीं किया है, तो आप सभी जानते हैं 7 दिसंबर जो है आपकी लास्ट डेट है। तो आप सभी जो है, आपके पास 2 दिन शेष रहे हैं, तो आप जो है आवेदन कर दें, क्योंकि लास्ट वाले दिन जो आपकी वेबसाइट जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ कैंडिडेट के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सर, 1 से 2 पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल, आप 3 पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, 2 पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। पहले ही वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया था। अब देखिए, आपको क्या करना होगा, अलग अलग एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग डे यानी अलग अलग शिफ्ट में पड़े और आप जो है एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम दे पाएँ। आप सभी जानते हैं 301 पोस्ट को छोड़ करके आपका जो है JTO की जो पोस्ट है, बाकी सभी का सिलेबस सेम है, तो आप जो है 2 पोस्ट के लिए भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, चाहे फायरमैन के लिए करें, चाहे आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए करें। देखिए, सबसे आप जो है ज़्यादातर कैंडिडेट का यही सवाल है आप सभी का कि सर, एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो जाएगा सभी पोस्ट के लिए? ऑल पोस्ट आप सभी जानते हैं 1061 हैं, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूँ, इसका जो एग्ज़ाम है, देखिए आप सभी का एग्ज़ाम जो है लगभग यहाँ पर जो है जनवरी के लास्ट में और फरवरी के फर्स्ट वीक में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप सभी को क्या करना है कि जनवरी लास्ट मान करके आप चलिए, इस तरीके से तैयारी करिए कि आपका जनवरी लास्ट में पेपर है, जिससे कि यदि आपका पेपर जनवरी लास्ट में भी नहीं होता तो फरवरी के फर्स्ट वीक में ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपका जो है प्रिपरेशन इस तरीके से आपका होना चाहिए। अब ये आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि एग्ज़ाम कब होगा, तो आप सभी का ये एग्जैक्ट जो डाटा है 1-2 दिन पीछे हो सकती है, बट आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक में कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब देखिए, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो है परेशान है कि सर, सिलेबस में क्या क्या है? तो आप सभी जानते हैं, इस बार सिलेबस सब कुछ यहाँ पर चेंज हो गया है। बाकी जो आपका JTO की पोस्ट को छोड़ करके आपका जो सिलेबस जो है सभी पोस्ट का जो है 75 MCQ आपके आने वाले हैं 60 मिनट में। अब देखिए, आपका जो टायर फर्स्ट है वो आपका होगा पहले, उसके जब आप टायर फर्स्ट का आपका जो रिजल्ट जारी हो जाएगा, उसके पश्चात आपको फिजिकल या टाइपिंग टेस्ट या फिर आपका जो डिक्टेशन जो टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा, SC वगैरह के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जिस भी पोस्ट के लिए SC है, और कुछ पोस्ट में यहाँ पर जो है जिन भी कैंडिडेट को, कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर, हमारा भी फिजिकल होगा, जिन्होंने टाइपिंग के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है उनका केवल टाइपिंग होगा, वहाँ पर फिजिकल नहीं होने वाला है। फायरमैन का होगा, जैसा कि आप सभी को पता है 801 पोस्ट के लिए और 1101 पोस्ट के लिए और 1001 पोस्ट शायद आपका जो फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन और जो आपका जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट, उसके लिए आपका जो है फिजिकल होने वाला है। इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आप सभी को ध्यान रखना है, सिलेबस मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, सिलेबस का भी PDF मैं आप सभी को प्रोवाइड कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सारा सिलेबस डाउनलोड करके उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। बट मैं आपको किस टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ उसके लिए फ्रेंड्स अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑफिस के बाद जो भी समय मिलता है मैं आप सभी के लिए ही प्रोवाइड करता हूँ। तो आप सभी को यहाँ पर अभी टेक्नीशियन ए वालों का जो एग्ज़ाम है वो पास में है, तो इसलिए उनको कंडक्ट करा रहा हूँ मैं, जो भी वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करा पाता हूँ वो आप सभी यहाँ पर ध्यान रखना, आप भी उसे कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी यहाँ पर तीनों प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मॉडरेट लेवल का, ईजी लेवल का और यहाँ पर डिफ़िकल्ट, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी आप सभी को देनी थी, उम्मीद करता हूँ जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर जो है एग्ज़ाम को लेकर के। अब देखिए, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो है स्कोर जो एक्सपेक्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि सर, जो सेफ स्कोर रहेगा 75 में से कितना रहेगा? तो आप सभी यदि चाहते हैं इसका वीडियो भी मैं लेकर के आऊँ, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी आप सभी को देनी थी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।